जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन करने के पीछे की वजह है इस स्टॉक में तेजी। इस स्टॉक में आज तकरीबन 5% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। समझेंगे तेजी के पीछे की वजह क्या है। हालांकि तेजी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यह जानना जरूरी है कि तेजी मजबूत है यानी कि टिकाऊ है कि नहीं। ये तेजी कुछ समय तक लगातार बनी रहेगी कि नहीं, तभी हमें फायदा होगा। दूसरी बात, कंपनी का जो राइट इशू आया है तो राइट इशू कब से ओपन हो रहा है, क्या रेशियो है इसका, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पिछले बार साथ में राइट इशू के अलावा और भी क्या नए अपडेट हैं, उस अपडेट के बदौलत इस कंपनी के शेयर प्राइस में लंबी अवधि में निवेशक के कितने बेनिफिट होंगे, नए इन्वेस्टर्स कब इसमें एंट्री ले सकते हैं, तमाम पहलुओं को डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग आ गए हैं बी एस इंडिया की वेबसाइट पर। बी एस इंडिया की वेबसाइट पर देखेंगे तो इंडियन इंफोटेक लिमिटेड कंपनी को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। स्टॉक अभी एएसएम की कैटेगरी में चल रहा है। एएसएम की कैटेगरी कुछ खास मायने नहीं रखता है, ये इसमें भी आप बाई सेल कर सकते हैं, इजीली बाई सेल हो जाएगा। जो सबसे मेजर अपडेट है यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक लगातार आपको अपर सर्किट में चलते हुए दिखेगा। पिछले कुछ समय से ही ये लगातार अपर सर्किट पर अपर सर्किट टच कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने जो अभी हाल में राइट इशू का अनाउंसमेंट किया है, राइट इशू के चलते यहाँ पे मतलब ये अच्छी खबर है। कंपनी राइट इशू लेकर आई है जिसका बदौलत इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर जब आप आते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस में, तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी का राइट इशू जो आया है वो 29 जनवरी इसका एक्स डेट रखा गया है। हालांकि एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अब एक ही हो गया है, क्योंकि 50+1 डेज में सेटलमेंट हो जाता है। तो 29 जनवरी के पहले तक जिन लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स थे उनको ये मतलब वो लोग एलिजिबल होंगे राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। और इसके लिए जो रेशियो रखा गया वो रखा गया 3:13:15 का, यानी कि प्रत्येक 50 शेयर्स पर जिसके पास कम से कम 50 शेयर्स है वो 13 राइट इशू शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और इशू ओपन होने जा रहा है 6 फरवरी से 13 फरवरी तक ये इशू ओपन रहेगा, यानी कि इसी टाइम पीरियड में आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करना है ये, इसके लिए तो आपको डायरेक्ट आपके मेल पर आ जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका ब्रोकर आपको सुविधा देता है राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। ये सभी चीज़ें नहीं भी है तब भी आप बी एस इंडिया की वेबसाइट पर आएंगे, और बी एस इंडिया की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आप देखिए कॉर्पोरेट एक्शंस का आपको ऑप्शन दिखेगा नीचे में कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन का। आपको सिंपल उस कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उस कंपनी के सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, RTA का मेल वगैरह मिल जाएगा, यहाँ से भी आप राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि राइट इशू कंपनी का कब से ओपन हो रहा है, किस रेशियो में इसमें राइट इशू आया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी डिटेल्स समझते हैं, कंपनी का जो फंडामेंटल है टेक्निकल समझ लेते हैं, कि ताकि नए व्यक्ति को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने में सहूलियत मिल सके और वो समझ सके कहाँ पर उन्हें एंट्री लेना है। देखिए इंडियन इंफोटेक का काम आप सभी जन समझते हैं कि NBFC कंपनी है, बेसिकली लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है, और काफ़ी मतलब फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, भविष्य इसका काफ़ी अच्छा है काम के बेसिस पे। फंडामेंटल यदि थोड़ा सा डिस्कशन करें तो आपको पता है तकरीबन 350 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन कंपनी का, P/64 के आसपास चल रहा है। ठीक है, पी के हिसाब से शेयर प्राइस भी आपको वैल्यूएशन में सस्ता ही नजर आएगा, और बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ज्यादा है, ये बढ़िया बात है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी और जो ROC है यह समय के साथ बढ़ेगा, अभी भी कोई खराब नहीं है, प्लस में ही है, और बढ़ेगा तो इससे और भी बेनिफिट होगा आपको। जिस हिसाब से शेयर प्राइस बढ़ रहा है उस हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ना ही चाहिए। अब आते हैं टेक्निकल वाले पॉइंट पे, सबसे मेन चीज यहाँ पे छुपा हुआ है। देखिए स्टॉक आप देखेंगे कंसोलिडेशन रेंज में था, 2.20 रुपये से लेकर तकरीबन 1.60 रुपये के बीच में कंसोलिडेट करते हुए रहा था काफी दिनों से, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है। और देखिए ये अब देखना होगा इसका नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे, तो इसके लिए कम से कम हम 5 साल का चार्ट ओपन करते हैं। 5 साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आएगा 4 रुपये के आसपास, जो कि 4 रुपये के लेवल को इजिली ब्रेक कर लेगा, क्योंकि ये कुछ खास मायने नहीं, जिस तेजी के साथ स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है 4 रुपये का लेवल इसके लिए कुछ खास मायने नहीं रखेगा। उसके बाद स्टॉक का प्राइस सीधे इजीली आपको 10 रुपये तक आते हुए दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही सांस में इसका प्राइस 10 रुपये पहुंच जाएगा, पहले ये 4 रुपये के लेवल तक आएगा। 4 रुपये के लेवल तक आने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे समय बिताएगा, और समय बिताने के बाद फिर प्राइस यहाँ से निकलेगा तो ऊपर आपको 10 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म में आप कम से कम इस स्टॉक में 4 रुपये के लेवल तक ले जा सकते हैं। अब समझिए जो नए व्यक्ति यहाँ पे अभी इसमें एंट्री नहीं ले पाए हैं वो क्या करेंगे, जैसे इसका प्राइस बढ़ के अब 4 रुपये तक जाएगा, और 4 रुपये तक जाने के बाद जब थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करने लगे, समय बिताने लगे, और हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आए, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे ही यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, और जब नीचे आकर उठने लगे तब आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिएगा, जो लोग अभी तक एंट्री नहीं लिए हैं। ये इंडियन इंफोटेक में यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, या एवरेजिंग करना चाहते तब भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं, जब प्राइस 4 रुपये से जाके थोड़ा सा नीचे आएगा और नीचे आकर उठने लगेगा तब। तो ये मैंने बता दिया कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एवरेजिंग करना है। बाकी जो कंपनी का फंडामेंटल है, जो इसके अलावा जो कंपनी का काम है, जो टेक्निकल डाटा है, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया अवस्था में, सभी चीज़ें बढ़िया ही कह रही हैं, तो इस हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय में तेजी बनेगी ही बनेगी।
यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें बन रही है, नहीं है तो मैंने लेवल बता दिया, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट छूट गया है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं इंडियन इन्फोटेक के, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़ कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दोनों जगह आपको मेरे से बात हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।